Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Yogi Sarkar lagatar Uttar Pradesh ke hit mein bade faisle le rahi hai. Shukrawar ko UP ke Shram Kalyan Parishad adhyaksh Sunil Bharala ne Meerut ke Circuit House mein media se vaarta karte hue kuch ahem जानकारी दी। सुनील भड़ाला ने इस प्रेस वार्ता में 8 नई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। आइए जानते हैं क्या है वो योजनाएं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के टू पार्ट में आज संपन्न हुई है। बैठक में जो पिछले समय के कामों को आगे बढ़ाया गया था, उन इस सरकार में और रफ्तार और तेजी से काम आगे बढ़ रहे हैं। श्रमिकों को जो उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार ने एक वादा किया था, उस वादे को हम पूरा करने का सफलता प्राप्त होगी। तो एक श्रमिक परिवार के 6 सदस्यों को धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा कराने का इसमें नियम रखा गया है। श्रमिक परिवार को 2,000 रुपये एक व्यक्ति को मिलेंगे, तो पूरा परिवार अगर जाता है तो 12,000 रुपये की धनराशि श्रम कल्याण परिषद द्वारा उसको उपलब्ध कराई जाएगी। जिस श्रमिक परिवार का बच्चा लाभार्थी आवार्त, वही 15,000 रुपये और 15,000 रुपये का वेतन उसी क्रम में जाएगा। और चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अगर श्रमिक परिवार का बच्चा जिले में खेलेगा तो उसको 25,000 रुपये की धनराशि, और जो प्रदेश में खेलेगा 50,000 रुपये की धनराशि, और जो राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा उसको 75 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1,00,000 रुपये की धनराशि देकर के उस श्रमिक परिवार को लाभान्वित करेंगे। उससे उस परिवार को उत्साह और बल मिलेगा। तो आज इन ऐसी आदि 8 योजनाओं का उल्लेख हुआ है और उस पर लाभार्थियों की चर्चा हुई है। तो अभियान चलाएंगे हमारे श्रम विभाग के अधिकारी। इस बैठक में आज उद्योगपति, उद्यमी, हमारे श्रमिक नेता सारे उपस्थित हुए थे। तो हम सब मिलकर के एक साथ जुट करके उन पात्रों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी श्रमिक परिवार होंगे उनको हम 1 मई को उनके स्वेच्छा के अनुसार हम यहाँ से हरी झंडी दे करके रवाना करेंगे। और उत्तर प्रदेश में हमने एक ही दिन में जो हमारे मंडल हैं, तो हमने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश के हर मंडल से हमारी धार्मिक और पर्यटन यात्रा की बस रवाना हो। में 20 श्रमिक काम करेंगे तो वो उसी परिधि में आएगा। तो 20 से घटा करके एक श्रमिक भी अगर वाणिज्य कर दुकान में काम करेगा तो वो उस परिधि में लाएंगे और उसको लाभार्थ हम दिलाएंगे। तो ये हमने एक बड़ा निर्णय लेने का आज निर्णय किया है। उसी में हम एक बड़ा निर्णय ये ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधिनियम एक्ट में कारखानों में काम करने वाला श्रमिक जो 6 महीने तक काम करेगा उस श्रमिक को लाभ मिलेगा। हम उस बाध्यता को हटाएंगे। अब श्रमिक अगर आज कारखाने में नियुक्त हो जाता है किसी भी कारखाने में, और उसी समय से उसको लाभार्थ का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 बड़े निर्णय आज की बैठक में हमने लिए हैं, जिसको हम 27 तारीख को लखनऊ में बापू भवन सभागार कक्ष में बोर्ड की बैठक लेकर के निर्णय करेंगे। ये आज का हमारा इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।